साइंस किया गया है, इसके पीछे का मकसद क्या है और फ्यूचर में आप प्लास्टिक को लेकर क्या सोच रहे हैं? सर ऐसा है कि 37,500 करोड़ का इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स आ रहा है, मीन्स 2022 एवरी ईयर वो बढ़ते जाता है, एंड दैट इज़ ये MSME का रोजी रोटी है यहाँ पे जो हम यहाँ बना सकते हैं। तो ऑनलाइन पे हम लोगों ने आईपमा ने स्टडी किया और ये निष्कर्ष पे आए हैं कि भाई इट शुड स्टॉप। इसमें फ़ायदा कितना है कि 16,000 मशीन लगेंगे, फिर इसमें जो है अपना पॉलीमर का एक पूरा प्लांट बिक जाएगा और करीबन 10 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा एडिशनल वोडामिडू से। तो ये और 15,000 करोड़ रुपया फाइनेंस लगेगा, तो 15,000 करोड़ इस ज़माने में इतना बड़ा नहीं माना जाता, बट MSME के लिए बड़ा है। तो ये हम लोग ये घर में करेंगे, सो इट इज़ अ ग्रोथ, एंड साइमल्टेनियसली इम्पोर्ट बंद करके उसमें एक्सपोर्ट भी हो ही सकता है, मीन्स दैट इज़ द स्टोरी। और एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, सब्सिक्वेंटली हमारा नेशन डेवलपमेंट में जो समझिए रॉ मटेरियल का जो इसे अरुण भाई ने बताया प्लांट लगेगा उसका सेल पे एक GST लगेगा, बाद में प्रोसेसर्स जब प्रोसेस करेंगे तो उस पर GST लगेगा, यू नो दैट GST का रेवेन्यू हमारे भारत देश में ही यू नो सर्कुलेट होता जाएगा, तो दैट विल क्रिएट एडिशनल रेवेन्यू टू आवर नेशन एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग बाई वे ऑफ नेशनल स्किल डेवलपमेंट ऑल्सो बाई एक्वायरिंग जॉब्स एज वेल एज द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऑल्सो। हमारा भारत जो है तो प्लास्टिक के मामले में बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर माना जाता है, और उसको आप कैसे देखते हैं, कैसे देखते हैं? वेल एक्चुअली भारत में हमारी जो एवरेज पर कैपिटा कंजम्पशन इज अराउंड 14 to 15 kg है, वेर एल्स द एवरेज वर्ल्ड कैपिटा कंजम्पशन इज अराउंड 35 kg। तो आज हमारे पास काफ़ी बहुत बड़ा गैप है और भारत की क्षमता है आगे और प्लास्टिक प्रोसेसिंग करने के लिए और प्लस ग्रैन्यूल्स की बॉडिकल पेट्रोकेमिकल्स की कैपेसिटीज डालने के लिए हमको 35 किलो पे पहुंचने के लिए, तो वी हैव अ गुड बैंडविड्थ। उसके लिए जो आज जैसे ये हम इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का स्टडी किए हैं 35-40,000 करोड़ का जो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन है उसको अगर हम ये कन्वर्ट कर लेते हैं तो आज ये पर कैपिटा कंजम्पशन और भी बढ़ेगा, उससे और भी रोजगार बढ़ेगा और भी रेवेन्यू बेस भी बन सकता है। गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट बोलती है कि प्लास्टिक यूज करना खतरनाक होता है और बहुत चीज़ें ऐसे बताई जाती है, तो इसके पीछे आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी गवर्नमेंट को लेकर? वेल एक्चुअली प्लास्टिक्स यूँ देखा जाए इट इज़ अ वेरी नेसेसरी प्रोडक्ट, इट इज़ अ पुअर मैंस प्रोडक्ट एज वेल एज द एलिट प्रोडक्ट ऑल्सो एलिट मैंस प्रोडक्ट। आज प्लास्टिक आप सुबह में उठेंगे तो आपको पहला प्लास्टिक का टूथब्रश लगेगा, रात को सोने तक हजारों चीज हम प्लास्टिक्स वी कम अक्रॉस। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल ऑन यू नो कि हम प्लास्टिक की यूज़ बंद करें, उससे हम लिटरिंग हैबिट्स जो है आज प्लास्टिक क्यों बदनाम हो रहा है बिकॉज ऑफ द लिटरिंग हैबिट्स। आज लिटरिंग हैबिट्स अगर हम कंट्रोल करते हैं और बाय वे ऑफ जैसे कि गार्डन्स में है या बीचेस पे है, जैसे फैमिलीज जाती है पिकनिक्स कर दिए, लिटरिंग हैबिट्स मतलब सिविक सेंस थोड़ा इम्प्रूव करते है तो हमारे ये सब लिटरिंग की वजह से वेस्ट मैनेजमेंट पूरा कंट्रोल में आ सकता है। उससे अगर हमारी गवर्नमेंट उस पर थोड़ा और ध्यान दे लिटरिंग हैबिट्स पे, लाइक BMCs है मार्शल्स रखे तो उससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, वो लिटरिंग हैबिट्स कंट्रोल करेगा, वेस्ट इधर उधर नहीं जाएगा, यानी कि इट विल नॉट गो इन टू द सी एंड अदर थिंग्स, इट विल गो इन द राइट प्लेस और उसको रिसाइकिल हो सकता है, एंड रिसाइकिल प्लास्टिक्स कैन बी रीयूज्ड एज मेनी टाइम्स ऑल्सो, सो उसके फायदे बहुत है। बट बिकॉज ऑफ द लिटरिंग हैबिट्स आज हमारे ओशंस में कहो या पब्लिक प्लेसेस में कहो या कोई गाय ने खा लिया, इट्स बिकॉज ऑफ आवर लिटरिंग हैबिट्स। अगर हम खाली सिर्फ और सिर्फ लिटरिंग हैबिट्स पे ध्यान दें, सिविक सेंस पे ध्यान दें, 100% हमको अगर उसका आउटपुट मिलता है तो आई डोंट फोरसी एनी ऑफ दिस प्रॉब्लम्स विच इज़ बीन हाईलाइटेड। सर आपका प्लास्टिक हमने हमारे यहाँ हम लोगों ने जो है वो हमारी कमेटियाँ काम कर रही हैं, एनवायरनमेंट कमेटी है वो काम कर रही है,
अभी जो हमारी प्लास्टिक इमेज की जो एक क्या बोलते हैं हमारा इमेज जो ख़राब है उनको सुधारने के लिए, मगर इसमें क्या है कि काफ़ी बड़ा इसमें पैसा लगता है। हमारी जो एसोसिएशन है नो डाउट 75 ईयर्स ओल्ड एसोसिएशन है, बट छोटे लोगों की है। अभी उसमें जो हमको पब्लिसिटी जो देनी चाहिए और दैट इज से प्रेस होगा या सोशल मीडिया रहेगा जो भी रहेगा उससे, तो इसमें हम लोग अभी लगे पड़े हैं। हमारी दूसरी भी जो एसोसिएशन बड़ी बड़ी है वो भी लगी पड़ी है, आपको सुनर उनका आपको नज़र में आ जाएगा कि भाई प्लास्टिक इतना ख़राब नहीं है। आप सुबह से शाम तक आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो जो ऑपरेशन थिएटर में आधा प्लास्टिक इधर बॉडी पे लगा पड़ा रहता है और वही बचाता है। सो दिस इज स्टोरी, बट मैनेजमेंट ऑफ द प्लास्टिक इज द इश्यू एंड हम लोग वो कर रहे हैं। बट बाकी एक ही बात है कि भारत जैसे देश में जीडीपी का ग्रोथ अपने को चाहिए या जो भी है, तो यही उद्योग एक कंट्रीब्यूटरी है इसमें ग्रोथ के, वन ऑफ द कंट्रीब्यूशन है। इसमें एम्प्लॉयमेंट जो रहेगा वो बढ़ेगा, मैंने पहले ही बताया कि भाई 37,500 करोड़ का अभी हम लोग समझो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे इधर, तो इसमें करीबन 10 लाख लोगों एडिशनल लोगों को जॉब मिलेगा। और ये जो करीबन ऐसे समझो 20,000 फैक्ट्रियाँ लग जाएगी, 16,000 मशीन का हमने प्रोजेक्ट किया है, तो मशीन वाले का मशीन यहाँ बन जाएगा और काम हो जाएगा, या इम्पोर्ट भी मशीन कर सकते हैं, बट हम लोग इम्पोर्ट के इतना वो नहीं करते, बट यहाँ पे ग्रो हो रहा है तो वाई नॉट, ऐसा इम्पोर्ट भी हम लोग कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का पॉइंट से। बट ऐसे जो है हमारे ग्रोथ यहाँ पे अवश्य इंडिया में भारत में हो सकता है। अभी पहले इंडस्ट्री खाली महाराष्ट्र में थी, अभी जो है भारत भर में ये इंडस्ट्री हो गई है। आप दिल्ली जाओ, साउथ में जाओ, ईस्ट में जाओ, वेस्ट में जाओ, सब जगह ये इंडस्ट्री फैल गई है। तो छोटे लोग हैं, दे आर डूइंग द वर्क। ऐसे टेक्नोलॉजी सर अवेलेबल है हमारे यहाँ पे, अभी आप नहीं मानेंगे, सर ने भी बताया अभी, हम पीयूष गोयल जी ने भी, आप नहीं मानेंगे अभी पूरा माइंडसेट चेंज हो गया है। मैं आपको बोलूँ ऐसे बच्चे लोग जो है पहले जो थे एक्सपर्ट नहीं थे आईटी वगैरह में, अभी आज देखो भारत पूरा आईटी में लीड कर रहा है। अभी जो अवेलेबल रिसोर्सेज से जो मैं छोटा था तो हमको ढूंढना पड़ता था भाई ये क्या है ये क्या है और लिखना पड़ता था, आज सब इसमें अवेलेबल है नेट पे, तो टेक्नोलॉजी भी नेट में ही अवेलेबल है और यहाँ बच्चे लोग जो है वो कन्वर्ट करके उसको उपयोग करते हैं। सो देर इज़ नो टेक्नोलॉजी गैप जस्ट नाउ, खाली अपने माइंड की बात है कि भाई इनको यहाँ बनाओ और उनको एक्सपोर्ट करो या जो करने का। खाली यहाँ मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि भाई पीपल हैव दैट नो बैंडविथ, मींस किसी का बच्चा नहीं है, मींस जो फॉरेन चला गया है सब सुखी है जनरली, बट द मैनेजमेंट स्टाइल में जरा पीछे जाते हैं। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी करेंगे तो इट कैन बी ए मोर सस्टेनेबल, ऐसा वो भी है वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑन अ माइक्रो लेवल। जो बिजनेसेस है यू नो सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन आर समटाइम्स दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन बिजनेस, सो द बिजनेस इज कटेल एंड सो इज द ग्रोथ ऑल्सो इज लिटल बिट ऑन अ स्लोअर पार्ट। बट कमिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यूज ऑन टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, टेक्नोलॉजी इज वेरी वेल अवेलेबल, वी कैन गेट द टेक्नोलॉजी इम्पोर्टेड ऑल्सो टू एक्सेलरेट आवर ग्रोथ। बट हमारे में क्षमता है एक तो टेक्नोलॉजी एब्जॉर्ब करने की और टेक्नोलॉजी यूज़ करने की, तो डेट इज़ द बिगेस्ट टू स्ट्रॉन्ग पिलर्स व्हाट इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हैव एंड वी डोंट फोरसी एनी अदर चैलेंजेस ऑन दैट। अभी बड़ा इश्यू एनवायरनमेंट का ही प्लास्टिक इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है एंड दैट वी हैव टू क्लियर दिस जो भी है वो उसका एक ही सॉल्यूशन है जो हमको प्लास्टिक वालों को और आप सबको भी शायद मानेंगे, यू ऑल विल बी एग्री कि अगर हम लिटरिंग हैबिट्स हम इम्प्रूव करते हैं चेंज करते हैं लिटर नहीं करें तो आपका प्रॉब्लम हमारा मेजोरिटी ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व। और बाकी तो यू नो देखिए ये लिटरिंग कहाँ से होता है और फ्रॉम द पब्लिक प्लेसेस, हम और आप जाते हैं फॉर एग्जांपल गार्डन में और हम केयरलेसली छोड़ देते हैं जो भी कूड़ा कचरा वेदर इट इज़ पेपर वेदर इट इज़ प्लास्टिक्स और वही प्लास्टिक्स पोल्यूट होता है बाय वे ऑफ रिवर एंड सीज में।
तो उसको ही हम कंट्रोल करें तो आई होप यू ऑल एग्री दैट द बिग एजेंडा फॉर यू द प्रायोरिटीज एजुकेटिंग पीपल या एजुकेटिंग पीपल यस आई मीन वी फॉल शॉर्ट we fall short and we request our government, of course we have given them the representation also and they are also trying and we need to little bit accelerate on this, you know, particularly so that I think I don't foresee down the line 5 to 6 years if we are very much strict on this subject we will definitely reduce the pollutions. अगर आपने आपको याद होगा सर कि जब मोदी जी 2014 में आए तभी स्वच्छता अभियान चालू किया था राइट आज स्वच्छता अभियान में कोई भी पहले कोई भी बंदा रोड पे पान पट्टी खा के थूकता है यू नो स्पिटिंग करता है रोड पोल्यूट करता है सिगरेट्स करता है तभी हम और आप जैसे आपने किया तो हम उस आपको बोलते रह रहे भाई क्यों कर रहे हो पूछो यू नो लॉट ऑफ व्हाट्सअप एंड लॉट ऑफ न्यूज़ यूज टू कम एंड दैट्स हाउ देर वॉज अ लॉट ऑफ कंट्रोल ऑन यू नो मेकिंग थिंग्स डर्टी बट नाउ उसको अगर हम सेम चीज से अगर हम प्लास्टिक के बारे में करें तो डेफिनेटली व्हाई नॉट वी कैन गेट अवे इम्प्रूव व्हाट यू कॉल एनवायरनमेंट ऑन दिस थैंक यू है जी सर बोलिए हाँ अभी सर मैं थोड़ा हमारा ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बोलता हूँ हमारी ऑर्गेनाइजेशन करीबन 77 ईयर्स ओल्ड एसोसिएशन आइपमा एंड वी हैव द व्हाट यू कॉल ब्रांचेज नॉट ब्रांचेज जोनल ऑफिसेज नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट जोन में है एंड गुरुगांव में भी हमारा है ओन ऑफिस है और हाउस है यहाँ पे हम लोग MIDC मरोल में हमारा HO है बाजू में एक बिल्डिंग हमने लिया है तो वो क्या है कि हमारे जो मेंबर्स हैं उनको लगा कि वी हैव अ गैप ऑफ टेक्नोलॉजी तो टू ब्रिज दैट गैप वी हैव एस्टेब्लिश दैट टेक्नोलॉजी सेंटर तो उसमें हम लोगों ने 2 साल से 1.5 साल से हम लोगों ने काम चालू किया है तो उसमें जो टेक्नोलॉजी वाली मशीन से जैसे डिज़ाइन अपने को इनका प्रोडक्ट डिज़ाइन करने का है या दूसरा कुछ करने का है तो दैट टेक्नोलॉजी इज़ अवेलेबल देयर एंड वहाँ से हम लोग करते हैं तो उसमें 3D है फिर सीमेंस की टेक्नोलॉजी अंदर है फिर अपना रिवर्स इंजीनियरिंग जो यहाँ पे एग्जाइज करके है जो उनका जो स्टोर रिवर्स इंजीनियरिंग अभी हमको ये दुख कहाँ होता था कि हम लोग चाइना जाते थे सब माल इधर आता था फटाफट तो हम लोगों ने थोड़ा उधर नज़रिया किया भाई दिस आर द इक्विपमेंट्स विच इज़ हेल्पिंग देम टू मेक द प्रोडक्ट फास्टर तो हम लोगों ने स्पीड टू मार्केट करके ए लाइन पे चालू किया है सो दैट इज़ आवर MTech वहाँ पे हम लोग बच्चे लोग को या किसी को पढ़ाते हैं जो भी है शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं एंड स्किल डेवलपमेंट काउंसिल का भी हमें लोगो मिल गया है एंड वी आर गिविंग स्किल लोगो ऑल्सो तो वी आर गिविंग द व्हाट यू कॉल टू द पीपल दैट इज़ नंबर वन नंबर टू हमारा एक मेजर एक्टिविटी अभी आ रहा है 5 December को जो है अपना प्लास्टिक विजन एग्जीबिशन तो करीबन उसमें 1500 एग्जीबिटर आएंगे और 2.5 लाख विजिटर आते हैं मेरी आपसे सबसे गुजारिश है कहा भाई देखिए कि प्लास्टिक का उद्योग कैसा है जस्ट एक खाली जो एनवायरनमेंट पोल्यूशन ये जो पॉइंट है वो माइनस करके आप देखेंगे तो आपको आनंद आएगा ज़्यादा और जिसमें सोल्यूशन में के लिए तो हम लोग बैठे हैं हमारे को ही करने का है जो है ये लाइन की जो है वो बट दिस इज ग्रोथ इन द छोटे लोग की इंडस्ट्री है XYZ किसी का कोई भी इसमें ज्वाइन हो सकता है एंड ही कैन अर्न व्हाट आई मीन से ऐसा नहीं है कि कोई अर्न नहीं करते हैं हम लोग भी जीरो से यहाँ तक पहुँचे हैं तो अभी सब लोग हमारे जो 40 की टीम है वो तो ऐसे ही होता है सो इट इज़ ए पॉजिटिव ग्रोथ एंड इट इज़ ए कंट्रीब्यूटर टू द GDP कंट्री का GDP को हेल्प करता है और इसमें टेक्नोलॉजी भी जो दूसरी अभी आ गई है सर रोड में जाता है फिर बैक टू ऑयल होता है ये जो है उसका बैक टू ऑयल भी होता है सो टेक्नोलॉजी इज़ अवेलेबल अपार्ट फ्रॉम द रिसाइकलिंग और इन कंटिन्यूशन विद अरविंद भाई अबाउट APMA हमारे वी हैव डिफरेंट वर्टिकल्स एक इन्होंने जो जैसे बताया हमारा एग्जीबिशंस जो है विच इज़ ऑन top 5 में वर्ल्ड के top 5 एग्जीबिशंस में है जो जहाँ पे बिजनेस का इंडस्ट्री ग्रो है ग्रोथ पाथ है इंडस्ट्री का बिजनेस होता है एक्सपोर्ट्स एज वेल एज डोमेस्टिक हमारा दूसरा एक वर्टिकल है एजुकेशन वर्टिकल कॉल्ड MTech जैसे अरविंद भाई ने बताया ZEISS का और वो सब वो एक पूरा इंडस्ट्री को नज़रिए में रख के और एम्प्लॉयमेंट को नज़रिए में रख के ये पूरा हमने MTech का एक वर्टिकल एजुकेशन वर्टिकल खड़ा किया है जो बच्चे लोग ITI से लेके वर्टिकल इंजीनियरिंग कोर्सेज करके जॉब लेने जाते हैं तो एक नॉर्मल कॉमन करिकुलम पढ़ के जाते हैं
आज इंडस्ट्री का नीड क्या है कि द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जो पड़ा हुआ रहेगा या जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का रहेगा तो उसका एब्जॉर्प्शन और प्रायोरिटी उसको जल्दी मिलती है फ्रॉम द एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो जो दोनों के बीच में का जो गैप है टेक्नोलॉजी का, वो काफ़ी कोर्सेज जो हमने एमटेक में शुरू किए हैं, दोज आर शॉर्ट कोर्सेज, मे बी 3 months and 6 months, बट वेरी वेल इन डिमांड फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड इट इज़ वेरी वेल हॉट केक, इट इज़ बीन एब्जॉर्ब लाइक अ हॉट केक। सो जो बच्चे लोग पढ़ के आते हैं ये अगर कोर्स करते हैं तो उसका इमीडिएटली स्मूथ पैसेज एब्जॉर्प्शन बाय द एम्प्लॉयर हो जाता है। तो दिस यू नो वी थॉट कि व्हाई डोंट वी कंट्रीब्यूट वन, आई मीन दिस कुड बी वन ऑफ द वे टू कंट्रीब्यूट टू आवर नेशन ऑन द स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये ध्येय से हमने ये चालू किया हुआ है एंड हमारे करीब हंड्रेड्स ऑफ बच्चे अभी जस्ट 2 ईयर्स से, 3 साल से है ये प्रोजेक्ट हमारा चालू, बीच में कोविड आ गया, बट एक साल में हम आप समझिए करीब करीब हमने 150 से 200 बच्चे वी हैव गिवन इट टू द इंडस्ट्री। उसके कनेक्टेड हमारा एपमा का और एक जॉब फेयर है, जॉब फेयर जो है वो हम एम्प्लॉयर और कैंडिडेट्स मतलब ये जो बच्चे पढ़ के आते हैं या जो ऑलरेडी जॉब करते हैं दे वॉन्ट टू स्विच ओवर द जॉब, उसका हम वी मेक इट एज अ रोजगार मेला जैसा है या जॉब फेयर। तो दैट इज़ वन ऑफ द अदर एक्टिविटी वेर वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग यू नो फ्रॉम द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयज पॉइंट ऑफ व्यू। सो देर आर वेरियस स्मॉल एक्टिविटीज, स्मॉल एंड बिग एक्टिविटीज विच एपमा हैज बीन डूइंग एंड वी विश डाउन द लाइन दैट ऑल माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री शुड बी एटलीस्ट हैविंग 20% ऑफ देयर एक्सपोर्ट्स, यू नो 20% ऑफ देयर एक्सपोर्ट्स इन वन फाइनेंशियल ईयर। वी आर थ्राइविंग टू मूव and to give hand holding by way of taking international delegations, by way of guiding or hand holding, jis tarah se ban pade EPMA will try, is trying to do and will try to do down the line, you know, we will see a very positive results on micro and small industries will be flourishing with export as well as domestic market. That is what our contention is. Yes. Thank you. Okay. Done.